जिंदगी चाहिए, हर अदालत में हो न्याय के सिलसिले, कट घरों से सबूतों से सच ही खिले, सच की लेकिन गवाही जो भरने चला, वो मसीहा की सूली पे मरने चला। सच शहादत मांगता है, सच इबादत मांगता है, सब उसूलों से बड़ा ये अपनी कीमत जानता है, इसलिए चाहे मरूंगा सच को ही सजदा करूंगा, जो कहूंगा सच कहूंगा, जो कहूंगा सच कहूंगा। थ्री टू वन गो। नमस्कार, मैं हूँ अदिति सिन्हा ग्लैमर टीवी के लिए। मुंबई के मदालयन में ये खूबसूरत फार्म हाउस है। एक बहुत ही नामी ज्वेलरी कंपनी टिमोथी लॉरेंस आज यहाँ अपनी ज्वेलरी एग्जीबिशन के लिए मशहूर मॉडल्स के साथ फैशन शो कर रही है। फिल्म स्टार्स, मिनिस्टर्स और पुलिस कमिश्नर यहाँ एज ए गेस्ट आने वाले हैं। लेकिन इससे भी इम्पोर्टेंट खास बात ये है कि इस शो में दो मशहूर नामी मॉडल, एक है नंदनी सावंत और दूसरी है सबीना मैथ्यू, एक साथ हिस्सा ले रही हैं। शुरुआत में इन दोनों के संबंध काफी अच्छे रहे, लेकिन धीरे धीरे नंदनी कुछ पीछे छूट गई, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच की दूरियां और कड़वाहट बढ़ती गई। एक ऐसे निर्माता ने जो लव स्टोरी फिल्म्स के मास्टर कहे जाते हैं, नंदनी सावंत को अपनी फिल्म ऑफर की, लेकिन कुछ ही दिनों बाद ये फिल्म नंदिनी के हाथों से निकलकर सबीना मैथ्यूज के हाथ आ गई। ऐसे प्रेस्टीजियस बैनर की फिल्म अपने हाथों से निकलना नंदिनी ने सीधे सीधे सबीना मैथ्यूज की चाल बताया। तभी से इन दोनों मॉडल्स के बीच ओपन राइवलरी शुरू हो गई। तो आइए पूछते हैं मिस्टर सारा भाई से, जो शहर के जाने माने ज्वेलर हैं और इस शो के खास मेहमान भी। तो मिस्टर सारा भाई, क्या कहेंगे आप इन दोनों मॉडल्स के बारे में? सबीना ने हमारी कंपनी के लिए मॉडलिंग की है और एक बहुत ही प्रोफेशनल लड़की है। मुझे नहीं लगता कि उसे इस बात से कोई भी फर्क पड़ता है कि नंदिनी सावंत उसके साथ स्टेज शेयर कर रही है। और वैसे भी ये सब मैं क्या जानूं? अगर आपको ये जानना है तो आप मिस्टर राहुल से पूछिए, क्योंकि वही इस शो के ऑर्गेनाइजर भी हैं और साथ ही साथ डायरेक्टर और कोरियोग्राफर भी। दोनों मॉडल्स को एक साथ मिलाना कोई बड़ी बात नहीं है। दोनों मॉडल्स के एक दूसरे के साथ दुश्मनी, एक दूसरे को खत्म कर देने की साजिश, ये सब आप मीडिया वालों की मेहनत। आपको मेरी बात पर यकीन नहीं आ रहा। चलिए मैं मिलवाता हूँ अपने इन दोनों मॉडल से। देखिए दोनों एक दूसरे के साथ कैसे नॉर्मल हैं। एक ही मेकअप रूम में एक ही साथ मेकअप कर रहे हैं। Just I don't understand. What is it about this necklace? Just tell me, huh? It's chill, baby, chill. You just shut up. तुम होती कौन हो? You bloody swine. Mind your language. मुझे जिमी ने पहले ही बता दिया है। आज के शो का मोस्ट प्राइज नेकलेस है तो उसे पहने का कौन? सुपर मॉडल सबीना मैथ्यूज। ये है हमारे प्रोड्यूसर मिस्टर रोशन सेठ। रोशन जी, जरा आप इनसे बात कीजिए, मैं अभी आता हूँ। दो करोड़ का नेकलेस है, इसे कौन पहनेगा? Who is the best? I am the best. एक मियान में दो तलवारें रह सकती हैं, लेकिन एक मेकअप रूम में देश की दो मशहूर मॉडल्स नहीं रह सकती। तुमने पहले मुझसे फिल्म छीन ली थी, अब ये मत समझना कि ये नेकलेस भी तुम मुझसे छीन लोगी। छीन ली? No baby, I am better. You bitch! ये इब्तदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। उम्मीद करते हैं कि आज का ये फैशन शो ठीक ठाक हो जाए। We'll be right back.
जेंटलमैन, अब पेश है आज के शो का सबसे उम्दा शाहकार, एक कमाल का डायमंड नेकलेस जिसकी कीमत है 2 करोड़ रुपए और जिसे पहनकर आ रही हैं हमारी वेरी फेमस मॉडल। Murder on camera. पीछे हटिए सब लोग पीछे हटिए। हेलो हेलो रूबीना, तारा बोल रही हूँ। अच्छा सुन, क्राइम सेक्शन में कोई है क्या? हाँ है ना, अपनी वो बैंडिट क्वीन श्वेता डटी हुई है। अरे यार उसको ट्रांसफर कर, जल्दी कर प्लीज। फाइलर किसका है? इसका है। ये फाइलर किसका है? इसका है। आपका नाम? मिनी। और आप? मैं सबीना की दोस्त हूं। आप ये यकीन से कैसे कह सकती हैं कि ये फाइलर नंदिनी का है? क्योंकि इस पर इसी के इनिशियल्स हैं और शो से पहले इन दोनों का बहुत जबरदस्त झगड़ा भी हुआ था। इस नंदिनी, जब ये हादसा हुआ उस वक्त आप कहाँ क्या कर रही थी? जी मैं ग्रीन रूम में थी। मैं टॉयलेट में थी। झूठ बोलती है ये टॉयलेट में नहीं थी, ये यहीं पर थी। ये सबीना से सख्त नफरत करती थी। इंस्पेक्टर साहब, किसी ने सबीना का कत्ल किया है। तुमने कैसे कह सकती हो? मैंने कुछ नहीं किया है। नहीं, झूठ कह रही हो। मैंने कोई कत्ल नहीं किया है। नंदिनी, ये फाइलर आपका है? जी हाँ, लेकिन मैंने किसी का कोई कत्ल नहीं किया। छोड़ो मुझे, मेरे को मैंने कोई कत्ल नहीं किया। देखते हैं सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के आधार पर पुलिस नंदिनी को अरेस्ट करेगी या नहीं। नंदिनी सावंत यहीं? मैडम अंदर, मुझे उनसे मिलना है। आई एम फ्रॉम प्रेस। मिस्टर राहुल, हाउ आर यू? आई एम फाइन। आप यहाँ? मैं यहाँ नंदिनी से मिलने आया था। अरे मैं भी नंदिनी से मिलने आई थी। वैसे राहुल जी, मैं कुछ पूछना चाह रही थी आपसे। आपने अभी तक नंदिनी के लिए कोई वकील क्यों नहीं किया? उसने इतना काम किया है आपके साथ। श्वेता, मैंने कई वकीलों से बात की लेकिन कोई भी इस केस को लेने के लिए तैयार नहीं है। सभी लोगों का ये कहना है कि इससे ट्रायल बाय मीडिया और पब्लिक ओपिनियन इसके खिलाफ है। आई थिंक इट्स ओपन एंड शट केस। कोई भी वकील इसको अगर हाथ में लेगा तो उसको कोई फायदा तो होने वाला नहीं। अब तुम ही बताओ मैं क्या। आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। एक वकील हैं, उज्ज्वला राउत, उनसे बात करके देखते हैं, शायद वो ये केस लेने के लिए तैयार हो जाएं। उज्ज्वला राउत?
बेटा ये उज्ज्वला जी कहाँ रहती है? अब रुकिए दीदी, अभी बिजी है। दीदी दीदी इसने चीटिंग करी है। दीदी मैंने चीटिंग नहीं की। करी है। तुमने चीटिंग करी है? मैं चीटिंग नहीं की। तुमने चीटिंग की। जीतने के लिए थोड़ी तो चीटिंग करनी पड़ती है। कबीरा इस संसार में भांति भांति के लोग। मेरे बच्चे अगर अभी से चीटिंग करोगे तो जीवन में आगे कैसे बढ़ोगे? ठीक से खेलो। हेलो। हेलो। आई एम ईशा। हेलो, आई एम राहुल दास। मेरी आपसे फोन पे बात हुई थी ना? जी हाँ, मुझसे ही हुई थी। ये मैडम उज्ज्वला जी ऑफिस में या कहीं बाहर गई हुई? वो सामने तो है। कौन ये? हाँ जी उज्ज्वला जी। नहीं, एक्चुअली पास में एक स्कूल है और ये बच्चे मैडम के दोस्त हैं, अक्सर खेलने आ जाते हैं। आप चलिए ऑफिस में। आप चलिए, मैं आता हूँ। ओके। हेलो श्वेता। राहुल जी। अरे यार, तुमने मुझे कहाँ भेज दिया? इतना सीरियस वन साइडेड केस है और यहाँ तो वो मैडम बच्चों के साथ बच्ची बनी हुई है। राहुल जी घबराइए नहीं, पहले मिल तो लीजिए, थोड़ा सा सब्र कीजिए ना। अच्छा ठीक है। हेलो, हाउ आर यू? वेल आई एम फाइन। मेरा नाम राहुल दास। बी कंफर्टेबल। थैंक यू। फैशन शो का सेट डिजाइन 25 लाख, लाइटिंग 3 लाख, मॉडल्स की फीस 7 लाख और इस मल्टीनेशनल ज्वेलरी कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट आपको मिला 65 लाख रुपए में। अब अगर नंदिनी और सबीना का केस ना होता तो आपकी टोटल पेमेंट होती 65 लाख और नेट प्रॉफिट होता 15 लाख रुपए। फिलहाल 22 लाख रुपया आपका मार्केट में फंसा है और प्रोड्यूसर रोशन सेठ ने आपको नोटिस दिया है। आपको नंदिनी का ये केस जीतना है क्योंकि वो आपकी एक अच्छी दोस्त है और इंश्योरेंस का पैसा भी तभी मिलेगा जब ये शो किसी नेचुरल कैलामिटी या अनफोर्सीन रीजन से बाधित हो। एम आई राइट? मैं बिल्कुल सही जगह पे आ गया। भई अगर आप कहें तो हमारी मैडम आपकी जन्म कुंडली और आपके राशन कार्ड का नंबर भी बता सकती हैं। देखिए मैं बिल्कुल निश्चिंत हो गया, श्वेता ने मुझे बिल्कुल सही जगह पर भेजा है। मैडम आप मुझे अपनी फीस बताइए। हमारी मैडम केस जीतने के बाद ही फीस लेती हैं। वेल, मैंने तो सुना था कि वकील लोग पैसों के मामले में। कबीरा इस संसार में भांति भांति के लोग। लेकिन एक बात, इस केस के जो सरकारी वकील हैं वो बहुत ही अनुभवी, चालाक और शातिर हैं और उनके हथकंडों से सभी वाकिफ हैं। उनका नाम है मिस्टर के गैरौला। मेरा हथकंडा उनसे बड़ा है। क्या? सच। एनीवे, मैं नंदिनी से मिलना चाहती हूँ। नंदिनी 3 दिन के लिए पुलिस रिमांड में है, अभी वो मालवानी थाने में है। मुझे हैरानी है कि मिस उज्ज्वला इस केस में अपना समय क्यों खराब कर रही हैं। मुझे हैरानी है कि मिस उज्ज्वला इस केस में अपना समय क्यों खराब कर रही हैं। योर ऑनर, तमाम लोगों ने हत्या से पहले नंदिनी सावंत और सबीना मैथ्यूज का झगड़ा देखा था। सरेआम नंदिनी सावंत ने सबीना मैथ्यूज को जान से मारने की धमकी दी थी। हत्या में इस्तेमाल किया गया फाइलर भी नंदिनी सावंत का है, उस पर उसी की उंगलियों के निशान है। मेरी अदालत से गुजारिश है कि नंदिनी सावंत को इंडियन पीनल कोड 302 के तहत कातिल मानते हुए कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, क्योंकि केस बिल्कुल साफ है। बिल्कुल साफ है।
क्या हुआ कि वहां खड़े तमाम लोगों में से किसी ने भी नंदिनी को हत्या करते हुए नहीं देखा। माना कि हत्या नंदिनी के ही फाइलर से हुई थी और उस पर फिंगरप्रिंट्स भी नंदिनी के ही हैं। पर सर, क्या नंदिनी को अपना ही फाइलर मिला था हत्या करने के लिए? सर, मैं अदालत का ध्यान एक बात की ओर खींचना चाहूंगी। होल्ड, एक मिनट। ध्यान रहे मिस्टर गरोला, सबीना पर भी एक ही वार हुआ था। हालांकि कातिल भीड़ में हड़बड़ाया तो होगा, लेकिन आप तो बिल्कुल रिलैक्स्ड हैं, इसलिए जस्ट वन शॉट, प्लीज प्रोसीड। आप चूक गए मिस्टर गैरोला, आपने अपनी ही थ्योरी को बिल्कुल गलत साबित कर दिया। क्या मतलब? जज साहब, आप देख रहे हैं कि मिस्टर गैरोला की अच्छी खासी कोशिश के बावजूद ये फाइलर इस बॉडी में सिर्फ 2 इंच तक ही जा सका। अब 2 इंच से किसी की मौत होना तो जरा मुश्किल है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट बताती है कि सबीना की बॉडी में फाइलर 4 इंच तक घुसा था और दिल को छेद चुका था और बाहर था सिर्फ 1 इंच। योर ऑनर मिस्टर गैरोला, ये फाइलर सिर्फ 2 इंच तक घुसा पाए जबकि ये फाइलर 5 इंच का है। ऐसा इसलिए हुआ कि इसे हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए ये जरूरी है कि इसका 3 इंच से ज्यादा हिस्सा मुट्ठी में रहे। सबीना की बॉडी में ये फाइलर 4 इंच तक अंदर घुस सका और बाहर था सिर्फ 1 इंच। एकदम साफ है कि कातिल ने किसी हैंडल नुमा चीज में इसे फंसा। इस्तेमाल किया और फिर सबूत मिटाने के लिए उसे गायब कर दिया। You're right, Mr. Gerola. बिल्कुल हो सकता है, पर हुआ नहीं है। और अब इनकी थ्योरी हुआ है से हो सकता है पर आ गई है। Your Honor, अब एक और बात भी साफ हो गई है कि मर्डर वेपन पर नंदिनी के फिंगरप्रिंट्स का मिलना सबूत के तौर पर अब कोई अर्जेंट, सुनवाई अगली तारीख को होगी। ज्यादा खुश ना, ये खुशी सिर्फ अगली पेशी तक की है। आप चिंता मत कीजिए मिस्टर गैरोला, अगली पेशी तक तो मैं ये केस ही पलट दूं। उज्ज्वला जी, हम तो आपको मान गए। अरे कमाल कर दिया आपने मिस्टर गैरोला, कितना खौफ है उस आदमी का, इतना तेज और शातिर आदमी, और कोर्ट में आपने उसकी बोलती बंद कर दी।
और वो हैंडल नुमा चीज सुनकर तो हिल ही गया। हैंडल नुमा चीज, हो सकता है ये हैंडल नुमा चीज कुछ और हो। जो भी हो, हमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए कत्ल की जगह पर जाना होगा, और वहां ऐसी कोई चीज मिलती है या नहीं तो चलते हैं। चलते हैं। वो जगह पुलिस ने सील की हुई है। तो इसके लिए प्रॉब्लम क्या है? उसकी परमिशन हमें मिल जाएगी, उज्ज्वला जी है ना? हाँ, 10-15 दिन लग जाएंगे, तब तक केस की अगली तारीख भी निकल जाएगी। मतलब मैं समझा नहीं। मिस्टर राहुल, इन्वेस्टिगेशन के दौरान कुछ काम ऐसे भी होते हैं जो हम व्हाइट कॉलर वाले नहीं कर सकते। तो कौन कर सकता है? हमारे एक मित्र हैं, डिटेक्टिव एजेंसी है उनकी, उनके पास बकायदा लाइसेंस है और पुलिस वाले उनके काम को रिकॉग्नाइज भी करते हैं। उन्होंने पहले भी कई बार हमारे साथ काम किया है। क्या नाम है उनका? आप उनसे मिल लीजिए। लेकिन आप उनका नाम तो बताइए। उनका नाम है फत्ते सिंह फगवाड़ा। फत्ते सिंह फगवाड़ा। फत्ते सिंह फगवाड़ा। गले च खराश नहीं है तो बह जा इत्थे। जी मेरा नाम राहुल दास है, मुझे उज्ज्वला ने भेजा है। एक्सक्यूज मी, आप ही फतेह सिंह फगवाड़ा हैं? और कोई दूजा है इत्थे? मैं वो केस के सिलसिले में, वो सबीना मैथ्यू वाला केस पीस लायो। जी पीस? वे कुलविंदर कौर कहंदी सी पहले पे ता कम। वेल, पहले केस तो डिस्कस। केस तो मैं जानना, केस भी सुनांगे ते डिस्कस भी करांगे। पहले पे वे कुलविंदर कौर कहंदी सी बिना पे कम दी गल भी ना करो। देखिए फीस तो मैं अभी लाया नहीं हूं। सर जी, सर जी गड्डी 7 लाख दी आगी, स्टेपनी भी नहीं है। हां सर जी, चश्मा आगा बड़ा फर्स्ट क्लास। कम से कम 2000 दा होना है। सर जी डिजाइनर कुर्ता आगा बड़ा मस्त, कम से कम 3000 दा होना है। सर जी स्विस घड़ी आगी इंपोर्टेड, कटो कट 5000 दी होनी है। ओ सर जी ब्रांडेड जूते आगे ने बड़े मस्त, 9 नंबर दे बताओ, पाके तो फिट आएंगे। देखिए फीस तो मैं दूंगा ही, बिना फीस के मैं काम नहीं कराऊंगा, लेकिन अभी मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है, कोई 3200 रुपए होंगे। ओए इतने कहंदी नी कुलविंदर कौर, पहले पहे ता कम। किन्ने किन्ने? ये लीजिए। ओ जी ए हो गए 3250 रुपए। आहा, लेकिन ये 50 रुपए वाली क्या बात? आपके ड्राइवर से सिर्फ 85 रुपए निकले। ओए तुसी जा। लेकिन वो आपने कहा था कि, ओ मैंने पता है, उत्ते जाना है, इन्वेस्टिगेशन करानी है, वो जिलाल गल हो गई है, तुसी जाओ कल आना, काम हो जाएगा तोड़ा। आपने वो केस का तो डिस्कस किया ही नहीं। ओए कुलविंदर कौर कहंदी सी पहले दिन बोनी भट्टा करके ज्यादा गल करना चंगा नहीं होता है काके। जी सर जी मैं होने ही आना। आओ जाओ, चलो चलो चलो, कुलविंदर कौर कहंदी सी।
एक्सक्यूज मी सर। आदित्य कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं सर? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। सर आपसे कुछ बात करनी थी। अभी? जी हाँ, इट्स लिल अर्जेंट। ओके, थैंक यू अर्जेंट। ठीक है, आओ गाड़ी में बैठकर ही बात कर लें। ओके ड्राइवर, जरा बाहर रहना, हम लोग बात कर रहे हैं। बताओ आदित्य, क्या बात है? दरअसल बात यह है गरोला साहब की, वो मैं ये कह रहा था कि आदित्य, इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है? एक आध पेशी में जरा सा ऊंचा नीचा हो गया तो उसमें इतना सोचने की क्या बात है? नहीं, मैं परेशान नहीं हो रहा हूँ गरोला साहब, लेकिन इस बार पता नहीं कुछ ऐसा लग रहा है जैसे हम लोग किसी खास बात को नजरअंदाज कर रहे हैं। हमने सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के आधार पर फिंगरप्रिंट्स पे इतना स्ट्रेस किया कि उस लड़की को ही कल्प्रिट बना दिया, किसी दूसरे के बारे में सोचा ही नहीं। साहब, ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि इस केस का कोई दूसरा पहलू भी तो हो सकता है। आदित्य, जो सोचा वो सही था या गलत था उसे भूल जाओ। एक स्टांस को लेकर हम चल रहे हैं, उसी को फॉलो करो और उसी से केस को जीतो। हाँ, लेकिन ये तो हमारी, यही हमारी प्रेस्टीज है सर। गैरोला साहब, मैं जो नौकरी कर रहा हूँ और आप जो काम कर रहे हैं वो प्रेस्टीज के लिए नहीं कर रहे। हमारा काम लोगों को न्याय दिलाना है, सच्चाई को सामने लाना है। सच्चाई? जी। बुलशिट। लोगों को न्याय? रबिश। हमारा काम है अपने प्रोफेशन को आगे बढ़ाना। और प्रोफेशन तभी आगे बढ़ता है जब हम केस जीतेंगे। सच्चाई क्या है? जी, जो जीतता है वही सच्चा होता है, जो जीतता है वही कहता है कि उसे न्याय मिल गया, हारने वाला कभी ये कहता है कि उसे न्याय मिल गया। अगर वर्ल्ड वॉर में हिटलर जीत गया होता तो इतिहास उसके पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा गया होता, वो शांति का मसीहा कहलाता। माफ करना गरोला साहब, लेकिन मैं आपकी इस थ्योरी से इत्तेफाक नहीं रखता। अगर नहीं रखते तो फिर प्रमोशन भी जल्दी जल्दी नहीं मिलेगी ना। एनीवे, चलो इसी केस पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। उज्ज्वला के एक एक दाव को कैसे जवाब देना है ये मैं बताता हूं। अगली पेशी में मैं सिखा दूंगा कि वकालत कैसे की जाती है। का मतलब हमारे से पहले यहां कोई आया था और जो हमें चाहिए वो ले गया। सर जी, लगता है गड्डी पे बैठा है। जब अंदर जा रहे थे तभी इतने बैठा था गाड़ी। आओ। मैंने तो पक्का यकीन है वो हम पर ही नजर रख रहा है। ताकि तू एक काम कर सर जी, तू गड्डी दा नंबर नोट कर ले। सर जी, MS043137। यानी कि आप लोगों से ठीक पहले भी कोई वहां गया था और वो सिर्फ कातिल हो सकता है। इसका मतलब है कातिल न सिर्फ हम पे नजर रख रहा है बल्कि हमसे एक कदम आगे चलकर सबूत मिटाने की कोशिश भी कर रहा है। एक कदम आगे चल लिया सी, दो कदम पीछे चल। क्या मतलब? मतलब जब हम गुणो थीला से निकले घंटे ने साडा पीछा किया। आपका पीछा किया? कौन था वो? ये तो नहीं पता, बट सिल्वर कलर एस्टिम गड्डी थी।
आप मुझे गाड़ी का नंबर दीजिए, मैं पता करने की कोशिश करती हूँ कि किसकी गाड़ी है वो। ये गाड़ी सारा भाई ज्वेलर्स के नाम पर है। थैंक्स श्वेता। सारा भाई ज्वेलर्स में मैंने फोन किया था सारा भाई से बात करने के लिए, 2-3 बार कोशिश भी की, लेकिन वो है कि फोन तक पर आने के लिए तैयार नहीं है। अब क्या किया जाए? श्वेता, इस केस के सारे तार उस फैशन शो से जुड़े हुए हैं। तुम्हें अपने चैनल से उसकी टेप्स मिल जाएंगी। ये फैशन शो हम सबको एक बार और देखना होगा। ऑफ कोर्स, मैं अपने एडिटर से बात करती हूँ। ये अस्थाना यहाँ क्या कर रहा है? कौन अस्थाना? एक नंबर का फ्रॉड आदमी है, जरा पता करना पड़ेगा इसके बारे में। सुना बड्डे जोरों से चल रहा है तेरा धंधा? अरे कैसा धंधा यार, मुझे तुम पकड़ के क्यों ले आयो? मैं शरीफ आदमी, बिजनेसमैन आदमी यार। अभी बताता हूँ, मैंने कोई गलत काम भी नहीं किया। कुलविंदर कौर कहंदी सी। अरे क्या कहंदी सी कुलविंदर कौर? कुलविंदर कौर कहंदी सी लातों के भूत बातों से नहीं मारते। क्या यार, क्या मतलब तुम लोगों का? मतलब आज तो तेरी फैशन परेड होने वाली है यहाँ पर। फैशन परेड? हाँ। कैसी फैशन परेड यार? सच्ची सच्ची दस दियो वरना हमें हंसी आ जाएगी। अरे क्या हंसी आ जाएगी, छोड़ो मुझे यार। काके, अरे छोड़ो भाई। आइए ये अच्छा अच्छा बता था। सर ये शेख साहब है। नसीहा मदक। ये हमारे शोरूम की प्रीमियम ज्वेलरी देखना चाहते हैं। खुशामदीद, तशरीफ है। शुक्रिया शुक्रिया। हम अपने 120वीं बेगम का वास्ते ज्वेलरी खरीदना मांगती। 120वीं? ओए घबराओ नहीं, अगर हमें ज्वेलरी पसंद आई तो हम अपनी 119 बेगमों के वास्ते भी ज्वेलरी यहीं से खरीदेगी। श्योर श्योर। अब एक्सक्यूज मी। हेलो मिस्टर सारा भाई। यस। आपकी कंपनी की गाड़ी ने आज दोपहर में हम लोगों का पीछा किया। देखिए मैंने आपसे पहले भी कहा है कि मैं जरा बिजी हूं। मैं बाद में। कोई लगता है तुम बहुत बिजी है, तब तक हम तुम्हारा शोरूम देखने को मांगती। देखिए मैंने आपसे पहले भी कहा है, मुझे बार बार परेशान मत कीजिए। डोंट डिस्टर्ब मी। ओके तुम पागल हो गए हो क्या? उन लोगों ने गाड़ी का नंबर नोट कर लिया है। ऑलरेडी 2 बार मुझे कॉल कर चुके हैं वो लोग। मुझे समझ में नहीं आता है क्या जरूरत पड़ी थी तुम्हें उनकी गाड़ी का पीछा करने की। अरे मगर उनका पीछा करने से तुम्हें इस बात का कैसे पता चलता? हाँ मुझे समझ में नहीं आता मैंने तुम्हारे जैसे आदमी को अपने मुंह कैसे लगा दिया। अगर पुलिस को ज्वेलरी के बारे में पता चल गया तो? और एक बात, तुम्हें मेरी कंपनी की गाड़ी मिली थी उनका पीछा करने के लिए? हाँ कौन सी ज्वेलरी? कैसा शक? हमें इस बारे में पुलिस की मदद लेनी चाहिए। पुलिस हमारी मदद क्यों करेगी?
वो अपना केस थोड़ी वीक कराएगी। ईशा ना आप चिंता क्यों करती हैं, सब संभाल लेगी वो। हेलो तोताराम जी, ईशा बोल रही हूँ। ये ईशा जी बड़ी लंबी उम्र है आपकी, अभी अभी ना मैं आपको याद कर रहा था। Oh really? How sweet of you. क्या कह रही है आप? सच। अच्छा एक बात बताइए, वो जो सबीना मैथ्यूज वाला मर्डर केस है ना, मुझे पता चला है उसकी सारी इन्वेस्टिगेशन आप ही के अंडर हो रही है। ऐसा ही समझ लीजिए। अच्छा तो एक बात बताइए, क्या उस केस में कोई ऐसी ज्वेलरी है जो पुलिस की नजर में है? हाँ है ना। कौन सी? जो ज्वेलरी सबीना मैडम ने पहनी थी वो फोरेंसिक जांच के लिए पुलिस ने अपने कस्टडी में ले लिया था। ओहो, पर अब तो बहुत दिन हो गए ना, ज्वेलरी कंपनी ने वापस ले लिया होगा। एक्चुअली ना किसी को बताइएगा नहीं, बड़ी सीक्रेट बात है। नहीं नहीं बताइए। उस ज्वेलरी के पेपर में कुछ प्रॉब्लम था। क्या मिस्टर दास, क्या आप बता सकते हैं कि मर्डर के वक्त जो सबीना ने ज्वेलरी पहनी थी वो किस कंपनी की थी? जी वर्ल्ड फेमस कंपनी टिमोथी लॉरेंस। वो ज्वेलरी अब कहाँ है? वो इस वक्त पुलिस कस्टडी में। अब तक? अभी तक कंपनी ने उसे क्लेम नहीं किया। वो चाहते तो कोर्ट में दरख्वास्त देकर एक हफ्ते में ज्वेलरी छुड़ा सकते थे। एक्चुअली हम छुड़वाने वाले थे लेकिन थोड़ी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी। थोड़ी नहीं मिस्टर राहुल दास, बहुत बड़ी प्रॉब्लम। जब ये ज्वेलरी इंडिया में आई तो ये सही कागजों पर नहीं लाई गई। इसकी एवज में जो बॉन्ड और बैंक गारंटी जमा कराई जानी चाहिए थी वो नहीं कराई गई। क्या ये बात सही? जी मैं। क्या मैं जान सकती हूँ कि ये ज्वेलरी कस्टम से किस एजेंट ने पास कराई थी? जी वो एक मिस्टर अस्थाना है। क्या आपको मालूम है कि वो इस वक्त कहाँ है? जी मुझे नहीं मालूम। वो इस वक्त पुलिस हिरासत में। What? एक बात बताइए, आप पहले से अस्थाना को जानते थे? जी नहीं मैं। आपको उनसे किसने मिलवाया था? जी वो। आप अब भी नहीं समझे मिस्टर राहुल दास, जिन लोगों को आपने अपना दोस्त समझा उन्होंने ही आपके साथ बहुत बड़ा धोखा किया। योर ऑनर, मैं अदालत को एक टेप सुनवाने की इजाजत चाहूंगी। इस टेप के जरिए इस केस के कई पहलू सामने आएंगे। इजाजत है। इजाजत है। पागल हो गया क्या? उन लोगों ने गाड़ी का नंबर नोट कर लिया है। ऑलरेडी दो बार मुझे कॉल कर चुके हैं वो लोग। पुलिस को ज्वेलरी के बारे में पता चल गया तो तुम्हें मेरी कंपनी की गाड़ी मिली थी उनका पीछा करने के लिए? हाँ इडियट। योर ऑनर, इस फोन में आवाज थी शहर के मशहूर ज्वेलर मिस्टर सारव भाई की, जो इस वक्त अदालत में मौजूद है। मैं उन्हें कटघरे में बुलाना चाहूँ। वो आवाज मेरी। क्या मैं जान सकती हूँ कि आप किससे बात कर रहे थे? हो सकता है मैं अपने किसी कारीगर को डांट रहा हूँ, उसने किसी पुलिस ऑफिसर के यहाँ से आया हुआ ऑर्डर खराब कर दिया हो, या हो सकता है कि मैं अपने मैनेजर को डांट रहा हूँ जिसने नई खरीदी ज्वेलरी के पेपर्स कंप्लीट ना किए हों। अब ये मैं कैसे बता सकता हूँ कि मैं किससे बात कर रहा था? ठीक है, अगर आप नहीं बताना चाहते तो मैं ही बता देती हूँ। मिस्टर सारा भाई, इस टेप में आप उस आदमी से बात कर रहे थे जिसने मेरी टीम का पीछा किया। आप इस टेप में उस आदमी से बात कर रहे थे जिसने घटनास्थल पर जाकर हत्या में यूज्ड हैंडल नुमा चीज को गायब किया। आप इस टेप में उस आदमी से बात कर रहे थे जो सबीना मैथ्यूज का असली कातिल है, और वो तो इस केस में एक छोटा सा मोहरा है। इस पूरे ड्रामे के असली डायरेक्टर तो आप हैं मिस्टर सारा भाई। जज साहब, अब मैं आपको बताती हूं कि पूरी कहानी क्या है। जब फैशन शो में इंटरनेशनल कंपनी टिमोथी लॉरेंस की ज्वेलरी को इंडिया में लाने की बात चल रही थी तो शो में काफी कम दिन बचे थे। शो के प्रोड्यूसर रोशन सेठ को उसके पेपर्स बनवाने में काफी दिक्कतें आ रही थी, बैंक गारंटी बॉन्ड्स वगैरह।
ऐसे में राहुल दास और मिस्टर सारा भाई इनके काम आए और मिस्टर सारा भाई ने इनको एक कस्टम एजेंट मिस्टर अस्थाना से मिलवाया। अस्थाना ने पेपर्स की हेरा फेरी करके ज्वेलरी को इंडिया में दाखिल करा दिया और ये रही इस बाबत कस्टम की रिपोर्ट। तभी मिस्टर सारा भाई ने एक प्लान बनाया कि इस ज्वेलरी में मौजूद एक हार जिसकी कीमत करीब 1.5 करोड़ रुपए थी वो उसका एक डुप्लीकेट बनवाएंगे और बाद में उसे बदल देंगे। लेकिन अगर वो सीधा सीधा ऐसा करते तो ज्वेलरी वापस पहुंचते ही कंपनी को पता चल जाता, इसीलिए उन्होंने चली एक गहरी चाल। योर ऑनर, मिस्टर सारा भाई को पता था कि ये बेशकीमती हार सबीना मैथ्यूज पहनने वाली है, इसलिए इन्होंने एक प्लान बनाया कि सबीना के हार पहनने से पहले ही वो उसे बदलवा देंगे और बाद में उसका कत्ल करवा देंगे। सबीना द्वारा पहनी गई ज्वेलरी जो कि नकली है पुलिस जब्त कर लेगी और चूंकि उसके पेपर्स नकली हैं शो के प्रोड्यूसर मिस्टर रोशन सेठ को उसे वापस लेने में काफी दिक्कतें आएंगी। जब तक असली नकली का भेद खुलेगा 8-10 महीने बीत चुके होंगे और कोई भी ये यकीन से नहीं कह पाएगा कि ज्वेलरी कब बदली गई। ये रही पुलिस डिपार्टमेंट की रिपोर्ट जिसमें साफ लिखा है कि जो हार पुलिस ने जब्त किया है वो नकली है, उसकी कीमत 1.5 करोड़ रुपए नहीं महज 32,000 रुपए है। चूंकि इस शो में नंदिनी सावंत भी हिस्सा लेने आ रही थी तो इनकी नजर में बलि का बकरा बिल्कुल साफ था। क्यों मिस्टर सारा भाई? कहानी बहुत दिलचस्प है लेकिन कहानी है। तो ठीक है, आप मत मानिए। मुझे लगता है अब ये सारी बातें मुझे उस आदमी से कहलवानी होंगी जिसने सबीना मैथ्यूज का खून किया है। योर ऑनर, मैं अदालत से एक दरख्वास्त करना चाहूंगी। मैं चाहती हूं कि यहां बैठे हर एक आदमी का मोबाइल फोन ऑन करवा दिया जाए। जिसने सबीना का खून किया है वो यहीं बैठा है। मैं नंबर डायल करूंगी और उसका मोबाइल फोन बजेगा और ये सब होने तक कोई भी कोर्ट से बाहर ना जाने पाए। I object, Your Honor. Overruled. You may proceed. Thank you. साहब, सबीना का मर्डर मैंने किया है। सारा भाई ने मुझे 10 लाख रुपए का लालच देकर सबीना का मर्डर करने को कहा था और वो नेकलेस भी मैंने इन्हीं के कहने पे बदल दिया था। ये झूठ है जज साहब। योर ऑनर, ये दोनों मिस्टर सारा भाई के फार्म हाउस में काम करते हैं। एक 12 साल से ज्वेलरी का कारीगर है और दूसरा मैनेजर, और हमने इनसे असली हार भी बरामद किए। ये है वो ज्वेलरी। अब जब असली कातिल सामने आ ही गया है तो मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि मेरी मुवक्किल नंदिनी सावंत को बाइज्जत बरी कर दिया जाए। उज्ज्वला जी, अब क्या कहूं, कैसे आपका शुक्रिया अदा करूं। वैसे मुझे एक बात बताइए, आपको जिमी पर शक कैसे हुआ और आपको उसका नंबर कहां से मिला? नंबर मेरे पास था ही नहीं, मैंने एक गैम्बल खेला था, एक रिस्क लिया था। एक्चुअली मुझे लग गया था कि कातिल हमसे काफी होशियार है, हमारी हर हरकत पर नजर रखे हुए। वो कोई भी हो सकता था, राहुल, रोशन सेठ। दैट्स व्हाई आई टुक अ चांस। वेख काके वेख। अबे जासूस तो 80 है गणे, पर ये है सबसे बड़े जासूस। चल पैरी पे ना कर, पैरी पे ना कर। आ